इल्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इल्माज व्लॉग। अगर आप लोग नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम बनाते हैं व्लॉग्स मस्ती भरे। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा 9th क्लास का कोर्स लेने, बिकॉज आई एम प्रोमोटेड एंड मैं फिर नहीं हुआ हूँ। तो अभी चलते हैं हम लोग, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी चलते हैं। अभी तो हो रहे हैं रात के 10 और अब मैं फाइनली व्लॉग शूट कर रही हूँ। और दोपहर के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा था जब हम मेरा कोर्स लेने गए थे, और मेरा कोर्स भी आ चुका है अब। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रह गया है मेरा, लाइक ज्वेलरी और सैंडल्स वैंडल्स रह गए हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। अनु हेलो, अनान और अमन को घर पर ही छोड़ के जा रहे हैं, और ये दोनों फ्री फायर खेलते रहेंगे और टीवी चला के देखते रहेंगे। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट के लिए, और अना भी रास्ते में बहुत परेशान कर रही थी अम्मी को, और बोल रही थी बार बार कि अम्मी मैं मार्केट तुम्हारी गोद में जाऊंगी, और अम्मी बार बार उसे नीचे उतार रही थी लेकिन ये उतर नहीं रही थी, तो एक बार बार गोद में ले रही थी। और ये रहे हम सब, अना भी यहाँ पे देखो मस्ती करते हुए हंसते हुए जा रही है, तो बहुत प्यारी लग रही थी। झुमके देख रहे थे, और जब मैंने अनाबी से पूछा ना अनु कौन सी अच्छी लग रही है, तो अनाबी ने बताया भी कि ये वाली अच्छी लग रही है, और ये रही अनाबी जो उनके झुमके देख रही है और पसंद कर रही है। कौन से वाले अच्छे हैं? यहाँ पर हम देख रहे थे सैंडल्स, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी और मेरा साइज भी नहीं था, और जो मेरा आउटफिट है व्हाइट कलर का है, ईद का आउटफिट मेरा, तो उस कलर में ज्यादा अच्छी मिल भी नहीं रही थी। और यहाँ पर हम देख रहे थे झुमकियाँ बहुत सारी, और यहाँ पर हम अनाबे को खिला रहे थे स्टफ्ड टॉयज से, जो अनाबे को बहुत ज्यादा पसंद है। अनु को अपना टैडी और कैट भी है अनाबे के पास एक स्टफ्ड, एंड यहाँ पे हमने अनाबे को एलिफेंट दिखाया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, उसे उल्टा उससे डर लग रहा था, और अनाबे को कैट पसंद है, तो अनाबे को कैट ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर अनाबिया की हो गई थी एक छोटे से बच्चे से दोस्ती, अनाबिया से भी बहुत छोटा था वो। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे नेकलेस, हार, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कौन सा वाला लिया था। ये वाला मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये ना थोड़ा सा भारी लग रहा था और मुझे लग रहा था गर्मी लगेगी, तो मैंने नहीं लिया, मैंने एक सिंपल सा लिया है बहुत ही ज़्यादा, एंड ये है वाला। अनाबी खेल रही थी बहुत सारे टॉयज से, जैसे कि ये डोरेमोन वाला हो गया, उसमें चाबी भरो और वो अपना टम 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 बजाएगा, ढोल बजाएगा। और यहाँ पर देखो ये इसको बाइक से खेल रही थी, बारबी डॉल वाली बाइक से, अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलूँ। और यहाँ पर हम देख रहे थे हेयर क्लिप्स इकरा के लिए, इकरा को चाहिए क्योंकि मैंने तो दूसरी चीज़ें ले ली हैं अपने हेयर्स के लिए, बहुत ही प्यारी प्यारी है, वो मैं आप लोगों को ईद पर ही दिखाऊंगी। और गाइस यहाँ पर ना अम्मी हो गई थी, मतलब अम्मी नहीं हो गई थी, अम्मी आगे चले गए थे, हम पीछे खेल रह गए थे, मतलब हम खो गए थे। और अनाबी से देखो अब क्या बोली अनु, और यहाँ पर अम्मी मिल गई थी और अनाबिया अम्मी की गोद पे जाके चढ़ गई और बोल रही थी अम्मी ये माल ली है, अब अम्मा ये बैलून और पता क्या क्या बोल रही थी। एंड यहाँ पर हम अनाबिया के लिए देख रहे थे वॉच, क्योंकि अनाबिया को वॉच पहनना बहुत पसंद है, ये हम सबकी पहनती रहती है, एंड इसने मेरी एक वॉच तोड़ भी दी थी ऐसे ही करके। और अनाबिया देखो यहाँ पर खुद देख रही है कि कौन सी वॉच लेनी है मुझे, एंड यहाँ से पहले हमने ली नहीं, फिर इसी दुकान पर वापस आके हमने फिर से ली थी। एंड यहाँ पर हम देख रहे थे घर का डेकोरेशन का बस ऐसे ही सामान, और अनाबिया उनकी दुकान मतलब वहाँ पर ही टॉयस की वो लगा रखी थी, तो वहाँ पर ही अनाबिया टॉयस से खेलने लगी थी, एंड आगे जाके भी अनाबिया ने टॉयस से ही खेला था जैसे अब। एंड देखो यहाँ पे अनाबी कैसे मस्ती कर रही है, यहाँ पे टॉयस देख रही है कौन सा लेना है उसे, और वो वाला बता रही है, मम्मी बोली वो वाला, अनु बोली वो वाला। एंड यहाँ पर अनाबिया के लिए वॉच देख रहे हैं, और अनाबी को ये वॉच पहनाई, तो हमने ये वाली ही ली थी एक्चुअली, एंड ये अनु को पसंद भी है वॉच पहनना, तो हमने अनाबी को वॉच पहनाई, तो अनाबी खुश हो गई थी वहाँ पर देखो।
और यहाँ पर हमने देखी थी फिर से इयररिंग्स बहुत सारी, एंड उसमें से हमने कोई सी भी नहीं ली थी, हमें कोई सी अच्छी नहीं लगी तो हमने कोई सी भी नहीं ली थी। और हम अम्मी के साथ जाए और कुछ खाकर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, हमने खाए थे गोलगप्पे। ये अभी हम एक शॉप पर आए हुए थे और अनाविया यहाँ पर बहुत मस्ती कर रही थी और ऐसे ही अम्मी कपड़े देख रही थी। अम्मी ने यहाँ से एक लेगिंग खरीदी थी और देखो अनाविया यहाँ पर मस्ती करते हुए बहुत प्रचार करती थी, बार बार बाहर जा रही थी और मैं इसे बार बार पकड़ के अंदर ला रही थी। मैं बोल रही थी अंदर चलो अंदर चलो, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती है वहाँ पर। गाइस यहाँ पर नाविया को दिख गया था एक आइसक्रीम का स्टॉल, तो नाविया को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। नाविया आइसक्रीम को एक्चुअली आश्लीम बोलती है, आश्लीम। और यहाँ पर नाविया आइसक्रीम खाते खाते चल रही थी, ये चॉकोबार को और नॉर्मल वो जो मैंगो वाली होती है वैसे खा रही थी पॉप्सिकल की तरह। और नाविया को रास्ते में डैडी मिल गए थे तो वहाँ पर नाविया डैडी के साथ बाइक पर बैठ गई थी और वापस चली गई थी मार्केट में अंदर। सो गाइस यहाँ पे पता नहीं अम्मी को कौन सी अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी जिससे अम्मी बहुत बातें करती थी और हमें पता भी नहीं था वो कौन है, एंड अम्मी बातें करते करते चल रहे थे और हमें पता नहीं था। तो ये है हमारे ब्लॉग की लास्ट क्लिप, सो या दिस इज हाउ माय डे एंड दिस इज द डे ऑफ माय लाइफ। सो इफ यू लाइक द ब्लॉग देन लाइक इट, प्लीज लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। एंड गाइस अगर आपको थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा कोर्स लेने, बिकॉज आई एम प्रमो।